Welcome to my channel Fact Spin Talk. This is Karan and today I am going to talk about the top 10 cities of Bihar. आज हम बात करने वाले हैं बिहार के 10 सबसे बड़े शहरों के बारे में, तो जानेंगे कौन कौन से शहर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है बिहार का कटिहार जिला, जहां की कुल आबादी है 3,03,000 और यही लिंगानुपात है, यानी महिला और पुरुष का जो लिंगानुपात है 916 प्रति 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी 5,860 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। वहीं बात करेंगे अब हम नंबर 9 पर, देखते हैं कौन सा शहर है। नंबर 9 पर है आरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का आरा जिला। आरा जो कि अरण्य देवी मंदिर के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। यहाँ की कुल जनसंख्या है 3,29,000 और यहाँ पर महिला पुरुष का जो सेक्स रेशियो है वो है कुल 884 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर 10,622 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं और यह अपने आप में बहुत ही एक घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ अगला आठ नंबर पर है दरभंगा। दरभंगा बिहार का एक बड़ा सा जिला है, जहाँ की कुल आबादी है 3,51,000 और यही अगर बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात में है 903 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और वहीं बात करें अगर यहाँ की जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व है जहाँ पे रहते हैं लोग 18,300 व्यक्ति प्रति एक स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर। नंबर सात पर है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो कि अपने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी प्रचलित है पूरी दुनिया में और यहाँ की कुल आबादी है 3,73,000, जहाँ पर लिंगानुपात का रेशियो है 976 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और यहाँ के जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो वो है 15,872। यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और इसका जो रेलवे स्टेशन है बिहार शरीफ जंक्शन है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नंबर 6 पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें। नंबर 6 पर आ जाता है बेगूसराय जिला। ये बेगूसराय जो शहर है इसकी कुल आबादी है 4,68,000 और यहाँ पे महिला और पुरुष के सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वो है 885 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और वहीं बात की जाए अगर इसकी जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पे 18,720 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। ये भी काफी घनी आबादी वाला एक बिहार का शहर है बेगूसराय। और अब हम आगे बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 पे आ जाता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पूर्णिया जिला अपने आप में बहुत ही नामी है और यहाँ पे कुल जो जनसंख्या पूर्णिया शहर में रहती है 4,78,000। यही महिलाओं और पुरुषों का जो लिंगानुपात है 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वह हो जाता है 7,932 प्रति व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ का पूरन देवी मंदिर पूरे बिहार में प्रचलित है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। नंबर 4 पर है बिहार का भागलपुर शहर। भागलपुर की कुल आबादी है 4,81,000। उन्हें बात करें लिंगानुपात की, तो 881 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यह महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट के लिए भी बहुत ही मशहूर है, पूरे बिहार से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 15,872 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। नंबर 3 पर आ जाता है बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुजफ्फरपुर, जहाँ की कुल आबादी है मुजफ्फरपुर की 5,04,000 और यहाँ पर लिंगानुपात है 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। वहीं यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 19,668 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के जगह में। मुजफ्फरपुर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शहर है और यह लीचियों का गढ़ भी कहा जाता है। पूरे भारत में लीचियां यहाँ से जाती हैं, लीचियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं मुजफ्फरपुर की। नंबर 2 पर आ जाता है बिहार का गया शहर। गया अपने आप में बहुत ही बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है गया। साथ ही साथ यहाँ की जो आबादी है वो 5,65,000 है। महिला और पुरुषों की जो लिंगानुपात का रेशियो है वो है 897 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यहाँ पर 10,972 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और यह भी गया अपने आप में बौद्ध धर्म श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है और लोग यहाँ पे अपने पुरखों के पिंडदान को भी देने के लिए जाते हैं। गया का एकमात्र हवाई अड्डा गया एयरपोर्ट है, जो देश के अन्य सबसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पर आ जाता है बिहार की राजधानी पटना।
और पटना की कुल आबादी बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे कुल आबादी है 24,36,000, वहीं बात करें अगर सेक्स रेशियो की तो 886 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुषों के तुलना में, और यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं लगभग 18,019 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए सेक्स रेशियो 886 प्रति 1,000 व्यक्ति पर पुरुषों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है प्रति 1,000 पुरुषों पर। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वह है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि शेखपुरा इलाके में है, और पटना जंक्शन जो कि फ्रेजर रोड पर पड़ता है। वहीं यहाँ का जो चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान बहुत प्रचलित है। पटना आने वाले हमें से सभी जो यात्री हैं जरूर एक बार पटना के चिड़ियाघर का दर्शन जरूर करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार के बारे में ये जानकारी अगर पसंद आए तो आप अपने मित्रों को दोस्तों को भी